वो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो तो वो आज हिसाब से हम हमारी फॉलो इस करेंगे। ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। जैसे कि हमारी डेमो क्लासेस जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि हम इस बैच में एक्सेल वीवी एक्सेस तीनों कवर करेंगे, जिसकी कोर्स डिटेल्स आपको मेरी साइट पे मिला होगा आईपीटी इंडिया हाँ पे, आपने इसकी कोर्स को देखा होगा। तो उसी कोर्स को हम फॉलो करेंगे, उसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है, राइट सर? राइट। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट जो कि हमारा एडवांस एक्सेल फॉर फॉर्मूला, मतलब कि एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, उसको शुरू करेंगे और इसी को आप मेंटेन, इसी कोड को हम मेंटेन करते जाएंगे। तो आप अपना देख सकते हैं कि आज क्या होने वाला है या कल क्या होगा। और साथ ही राइट 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 हाँ, साथ ही हम जो करेंगे वो आपके मेनू के सीक्वेंस से ही करेंगे। जैसे पहले हम फाइल राइट राइट करेंगे, फिर होम मेनू करेंगे, फिर इंसर्ट मेनू भी करेंगे, राइट राइट मेनू बार के अकॉर्डिंग राइट चलेंगे, राइट तो आपको उससे भी फायदा होगा, राइट राइट मेनू बार में होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फाइल मेनू बार। तो फाइल मेनू बार से पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ एक्सेल का, कि एक्सेल का आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग एक्सेल पे काम करते हैं, आपको एक्सेल बहुत कुछ एक्सेल में पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बिल्कुल नील समझूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना पता है। तो हर टॉपिक को हम बेसिक्स टू एडवांस, हर एक मेथड को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है दीपक जी एंड सुमन जी, राइट सर राइट। अब जैसे कि सबसे पहले आर्किटेक्चर को समझते हैं, तो जो आपका एक्सेल होता है एक वर्कबुक होता है, एक फाइल होता है, और उसके अंदर शीट्स होते हैं, शीट्स के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं, और उसके अंदर सेल होता है। अगर इसको कंपेयर करें तो आपका जो रजिस्टर होता था वो एक तरह से एक डिजिटल रजिस्टर है, तो रजिस्टर के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। तो बिल्कुल एक डिजिटल रजिस्टर है आपका ये। सर इसी करे लो सिस्टम रिसोर्स में अफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी, क्या बोल रहे हैं सर? हेलो दीपक जी, मैं आपको सुन नहीं पाया, आपने क्या बोला? सर नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, आई थिंक सर क्यों कर रही थी कुछ। मिश्रा जी आपने कुछ बोला है? शायद वो नेटवर्क के लिए बोल रहे थे शायद। हाँ तो नेटवर्क उन्हीं तो उनके तो आपसे प्रॉब्लम होगा। आपको तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सर? राइट सर राइट राइट क्लियर है बिल्कुल। हाँ तो उनकी एंड से प्रॉब्लम है। देखिए इस कोर्स के लिए इंटरनेट का स्पीड ठीक ठाक होना जरूरी है। मतलब होता है क्या है कि स्पीड जो है नेटवर्क स्पीड, इंटरनेट स्पीड दो तरह का होता है, एक फ्लक्चुएट होता है एक फ्लैट होता है। तो इसको कोई हाई स्पीड नहीं चाहिए, मतलब कि इसको 1 Mbps स्पीड पे ही अच्छा क्लास चलता है, लेकिन 1 Mbps फ्लैट होना चाहिए। लेकिन जैसे जियो वगैरह है और बहुत सारे ऐसे है, एयरटेल और आइडिया, इनको हटा के और बाकी जो नेटवर्क है वो क्या है कि आपका फ्लैक्चुएट होते हैं सर, वो फ्लेक्चर होता है कि अभी आपका 2 Kbps होगा तो फिर आपका 20 Mbps होगा। सर वहां कोई मैसेज आ रहा है, आई एम अनेबल टू लिसन, उनको लिख के दे रहे हैं फ्लैट। सुमन मिश्रा जी आपके एंड से प्रॉब्लम है सर। चलिए बैक टू टॉपिक। तो यहाँ पे एक डिजिटल रजिस्टर समझिए, और रजिस्टर पे होने वाले सारे काम हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल रजिस्टर की तरह यहाँ पे दिक्कत होता है, ये होता है यूज होता है। अब बात करते हैं कि डेटा स्टोरेज, इसके अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा स्टोर करते हैं आपके एक पर्टिकुलर सेल के अंदर। ठीक है, और हर एक सेल कुछ भी डेटा, किसी भी तरह का डेटा आप रख सकते हैं। अब डेटा से दो चीज है यहाँ पे, एक डेटा आपका और एक डेटा है, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है। अब डेटा और ऑब्जेक्ट में क्या दिक्कत है, एक बार इसको भी समझ लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे कोई भी कैरेक्टराइज डेटा रखा और डेटा कहलाता है कोई, जैसे कि आपने 1 2 3 कर दिया या किसी पर्टिकुलर नेम लिख दिया, दैट इज द डेटा, या आपने डेट लिख दिया। तो डेटा तीन तरह का होता है, नंबर्स, डेट एंड स्ट्रिंग, मतलब कि कैरेक्टर। तीन तरह का डेटा होता है एक्सेल के अंदर में।
और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि कोई फोटो या कोई इलस्ट्रेशन या कोई चार्ट, दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो ये किसी सेल पे नहीं होता, इसका एक अपना इंडिविजुअल एड्रेस होता है, इस किसी सेल की वैल्यू नहीं कहलाता है। और इसी कारण से हम पिक्चर्स वगैरह को इस सब को लुकअप नहीं कर सकते हैं। अब एड्रेसिंग सिस्टम को समझ लेते हैं। एड्रेसिंग सिस्टम क्या है? हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है, जैसे कि A1 मतलब कि कॉलन ए एंड वन रो, दैट कॉल A1, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप हमें यहाँ पे अभी ऐसा एड्रेस हुआ क्यों, एड्रेस किया क्यों गया, ये चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है हमारा, तो यहाँ अगर मैं 20+30 कर सकता हूँ, या फिर कर सकता हूँ 20 की सेल एड्रेस प्लस 30 की सेल एड्रेस, तो रिजल्ट दोनों में सेम आ रहा है। ये ऊपर वाला आपका मैनुअल है और नीचे वाला आपका जो है ये आपका सेल के अकॉर्डिंग सेल लिंक है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। तो सेल पे इजीली कैलकुलेशन हो, इस कारण से इसका यूज किया जाता है। समझ में आया सर? राइट सर, राइट। ठीक है, एड्रेस को समझते हैं। जैसे कि यहाँ आपने इक्वल आपने कर दिया B3, तो ये आपकी एक्टिव सीट की B3 को लेगा, एक्टिव सीट की B3 को लेगा। लेकिन यही मुझे अगर C2 का चाहिए तो फिर वो C2 का रेफरेंस होगा, ठीक है। और यही आपको किसी अनदर फाइल, जैसे कि मैं कंट्रोल एन करता हूँ। मिश्रा जी क्या हुआ, लॉग आउट हो गया? सर आपका ये तो है सर्विस कारण से कि मेरे आंसर प्रॉब्लम होता है, तो दीपक जी को, आप दीपक जी को मेरा सबसे सीरियस नहीं दे रहा है। आपके आपका ये प्रॉब्लम है, इस कारण से दिक्कत हो रहा है। आप एक दोबारा ज्वाइन करके देखें, क्योंकि मेरे यहाँ प्रॉब्लम होता था, सबको होता था सर। वो सुबह में सारे समझ रहे थे कि मेरे यहाँ से प्रॉब्लम है सर। ओके, नहीं सर, आवाज की आवाज क्लियर आ रही है सर। हाँ, बस ऐसी बात है, मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होगा तो सबको होगा ना सर, आपको भी होगा। राइट सर, राइट। हाँ, तो किसी और सेल का रेफरेंस, जैसे कि हमने यहाँ पे किसी और सेल का रेफरेंस देना चाहे, जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट करके हमने इसको सेलेक्ट करके एंटर मारा, तो यहाँ पे रेफरेंस आ गया। अभी आप देखिए यहाँ पे आपका फाइल नेम है, या आपका सीट नेम है, या आपका सेल एड्रेस है। तो हर बार मुझे पूरा एड्रेस नहीं लेना पड़ता है अकॉर्डिंग, तो जैसे मान लीजिए ना कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में मैं भी रहता हूँ, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप जाहिर सी बात बोलेंगे कि मैं मंगोलपुरी में रहता हूँ, मैं साउथ एक्स में रहता हूँ, फलाना फलाना जगह पर रहता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि हम दोनों मुंबई में मिलते हैं और मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं दिल्ली के मंगोलपुरी में रहता हूँ। तो यहाँ पे मंगोलपुरी हमारा सेल एड्रेस हो गया, दिल्ली हमारा सीट हो गया। और किसी अलग कंट्री में मिलेंगे तो आप बोलेंगे कि इंडिया दिल्ली मंगोलपुरी, आप डायरेक्ट मंगोलपुरी नहीं बोलेंगे कि मंगोलपुरी होगा तो पूछा पड़ेगा कि कौन से मंगोलपुरी, किस देश में पड़ता है, किस देश के किस कंट्री के किस स्टेट में पड़ता है। तो ये सेम एड्रेसिंग सिस्टम यही होता है कि अगर आपका काम विद इन द सीट है तो आपको जस्ट सेल एड्रेस देना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको अनोदर सेम फाइल की अनोदर सीट पे करना है तो सीट एंड सेल चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट फाइल तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल को चाहिए होगा। एड्रेसिंग सिस्टम, अब इस एड्रेसिंग सिस्टम का एक और बेनिफिट है, चलिए ये भी आपको हम बता देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और इन नंबर्स पे मुझे मान लो 20 ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, A1 plus 20 कर दिया।
अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो एक फायदा होगा, क्या फायदा है कि यहाँ पे हमारा A1 था, अब यहाँ पे हमारा A2 हो गया। तो जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर ड्रैग करते हैं, ये ड्रैगिंग पॉइंट से नीचे तक ड्रैग करते हैं, तो आपका जो सेल एड्रेस है वो इंक्रीज होता है, मैं बढ़ता है और वापस घटता भी है। तो ठीक है, घटता कैसे है मतलब? मतलब कि अगर मान लीजिए ये ऊपर वाला हटा देता हूँ, ये हमारा बी ए टू है ना सर, अब ए टू के ऊपर ए वन हो जाएगा ना, तो घटा ना सर। ओके 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 ठीक है। यस सर। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम, ये तो ये फायदा क्या हुआ कि हमें अगर ऐसा ना होगा तो मुझे हर सेल पे जाके मैनुअली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना सर। राइट। तो ऐसे क्या हुआ कि हमने एक कॉलम के किसी एक सेल पे लगाया या रो के किसी एक सेल पे लगाया और उसको हॉरिजॉन्टली हम कर दिया। हॉरिजॉन्टली मतलब कि आप इधर भी करोगे तो भी आपका चेंज होगा, ए आप देखिए बी हो गया। तो इससे आपका बस आपको एक सेल पे लगाना है, बाकी ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब बात आती है कि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि अब मेरा जो 20 ऐड करना है और 20 D1 पे लिखा हुआ है, तो मुझे इन सबों के अंदर D1 की वैल्यू को ऐड करना है। तो हमने A1 प्लस D1 किया, अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, यहाँ देखिए दिक्कत हो गया कि A2 प्लस D2, जैसे A1 से A2 हुआ ऐसे D1 से D2 हो गया। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारा D1 फिक्स है, तो यहाँ पे हमें मैनुअली करना पड़ेगा। अब इसको मैनुअली ना करें तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसके लिए करना होगा कि हमें ड्रैग करने से पहले जिसको रोकना है, मुझे 1 से 2 नहीं करवाना है, तो 1 के आगे डॉलर का साइन लगा देना है। 1 के आगे हम डॉलर का साइन लगा के जैसे हम ड्रैग करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए नहीं है। तो ये अगर अब मैं आगे की तरफ इसको अगर इस तरह से आगे की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये देखिए डी जो है ई बन गया। तो क्यों? क्योंकि हमने 1 को रोक रखा है, इसको नहीं रोक रखा है। तो हमें क्या करना होगा कि अगर आपको कॉलम को ही फ्रीज करना है तो आप कॉलम के आगे भी डॉलर लगा दें। अब मैं कहीं भी ड्रैग करूंगा तो हमारा D1 फिक्स होगा। ओके समझ गए? तो फॉर्मूला लगाते समय आप इसका ध्यान रखिएगा। अब चलिए अब बात करते हैं हेल्प सिस्टम की। अब देखिए मान लीजिए कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा। अब जरूरी नहीं कि हर चीज आप याद रखेंगे, हो सकता है कोई चीज आप भूल जाए। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मान लीजिए कि आपको मैंने पढ़ाया कुछ दिन बाद आप भूल गए, ठीक है सर। उस पर जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो कर्सर ले जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा होगा, इसी के आप टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इसका हेल्प आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जनरली हमें प्रॉब्लम होती है तो हम तो गूगल पे सर्च करते हैं ना सर। सुरक्षा जी आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको अभी? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि गूगल पे जो आप सर्च करते हैं वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है। वो हम जैसे आप जैसे लोग अपने आर्टिकल में डालते हैं तो 100% प्रूफ रीड आपका नहीं होता, लेकिन इसमें आपको 100% प्रूफ रीड है। तो किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
ये फिर इस वाले केस में मेरे ख्याल से एमएस ऑफिस लाइसेंस वाला होना चाहिए, पायरेटेड चल जाता है, कोई भी चल जाएगा, हेल्प होना चाहिए बस, नहीं है तो आप इसका ऑफिस हेल्प ऑनलाइन भी है उस पर भी चल जा सकते हैं आप। ओके अब इसमें एक चीज और आता है कि मान लीजिए मुझे सर्च करना है लिमिटेशन, मैं जानना चाहता हूँ कि हर एक ऑप्शन का क्या लिमिट है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिमिट को हमने सर्च किया तो यहाँ एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स आपको दिख गया। इसमें आपको फीचर और लिमिट है, जैसे ओपन वर्कबुक। अब एक चीज याद रखिएगा, एक्सेल ही नहीं, कंप्यूटर में या किसी भी कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी चीज पे याद रखिएगा अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है, समझे। अब जैसे कि यहीं पे देखिए पहला ऑप्शन है ओपन वर्कबुक, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे दो फाइल ओपन कर रखी है, ऐसे कितनी फाइलें ओपन कर सकती है। तो यहाँ पे ये हम कर सकते हैं कि लिमिटेड, यहाँ पे लिया हुआ है कि लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स, लिया है ना सर, राइट सर। तो यहाँ पे ये भी जल्दी से कह सकते हैं कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी, आपके सिस्टम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपने फाइलें खोल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ रो कॉलम, कितने कैरेक्टर हैं, कितने हैं, कितना पेज ब्रेक है, कितने, अब यहाँ पे देखिए कि एक सेल के अंदर में आप कितने कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास बच्चे लोग पूछते हैं कि सर कि हम एक सेल में कितने फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे इफ वगैरह फॉर्मूला है उसको हम कितना नेस्टेड इफ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपका 32,767, तो फॉर्मूला का करेक्टर 32,767 जब तक नहीं पहुंचता है तब तक वो यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे कितने इफ लगा सकते हैं, एंड में कितने कंडीशन लगा सकते हैं, वो इसी पे डिपेंड करता है। अब इसमें अब जो ये चीज है कि बच्चे पूछते हैं कि सर लिमिटेशन जानने की जरूरत क्या है, लेकिन इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़ा फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर्मूला सब कुछ सही है फिर भी रिजल्ट गलत दे रहा है, तो आप चेक कर लो क्योंकि उसका करेक्टर 32,767 से ऊपर तो नहीं चला गया। और दूसरी चीज इसमें वीवीएम इसमें भी इसका हमें यूज होता है, जैसे मान लीजिए ना कि कॉलम को बड़ा करना है, हमको कॉलम को पकड़ के हमें इसको बड़ा करना है, तो नॉर्मल एक्सेल में इसकी कोई कोई जरूरत नहीं है ये जानना कि इसकी जो करेक्टर ये जो 32,000 ये 255 करेक्टर तक ही जाएगा, इससे ज्यादा भी जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हमें जानने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब कि कितना जाना चाहिए, हम जितना यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ से जितना ड्रैग करेंगे इतना होना होगा उतना हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग से करें तो हमें करेक्टर में लिखना पड़ेगा ना कि रेंज बी बाई वी डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू, अब मान लीजिए कभी हमको बहुत ज्यादा चाहिए तो वहां पे हम 500 लिख दिया, लेकिन 500 इसकी कैपेसिटी से बाहर है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए तभी हम तभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो लिमिटेशन में आप देख सकते हैं। उसी तरह से शॉर्टकट, अब देखिए बच्चे हमें शॉर्टकट के लिए पूछते रहते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि जब से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तब से शॉर्टकट इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया, राइट सर। तो उस केस में आप यहां पे शॉर्टकट सर्च करें, यहां पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट यहां पे फॉर विंडोज, ये आपके सारे शॉर्टकट्स। ठीक है,
अब इसको एक बार अपने हिसाब से, अब इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किसका क्या होता है, समझ लीजिएगा, और इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने वर्क स्टेशन पर लगा लीजिएगा। अब शॉर्टकट से क्यों काम करना ये भी एक जान लीजिए। सर सारे जितने भी शॉर्टकट एक्सेल को तो सारे इसमें लिखे होंगे। हाँ हेलो हेलो। हाँ सर ऑनलाइन हूँ मैं। तो ये शॉर्टकट को एक ओके आप ओके हाँ हिसाब से डेली बेसिस में यूज करें। अब मान लीजिए ना कि आप अगर माउस से ही, माउस के बगैर सारा सिस्टम काम अगर शॉर्टकट से करते हैं तो आपका 30% से ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगा आपका। दूसरी चीज मान लीजिए ना आप इंटरव्यू में देने जा रहे हैं और पूरा काम आप एक्सेल से ही खड़ा खड़ खड़ा शॉर्टकट से खड़ा 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 खड़ कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा पे एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि ही इज एक्सपीरियंस, क्योंकि शॉर्टकट में कमांड रट्टा मारने से नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस से होता है। ठीक है राइट सर। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो आपको क्या पढ़ना है, ठीक है लिमिटेशन सर। को, लिमिटेशन को एक बार पढ़ना है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, एक्सेल शॉर्टकट्स को, राइट। अब आपके पास, अब जब आप फाइल मेनू बार में आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपका न्यू का आता है। न्यू दिख रहा है, राइट सर। अब इस न्यू में एक तो यहाँ पे न्यू वर्कबुक है, उसके अलावा यहाँ पे आपके बहुत सारे टेम्पलेट है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया बनाया। तो इस टेम्पलेट को एक बार भी एनालाइज कीजिएगा। इस टेम्पलेट एनालाइज करने से फायदा, इसको सेलेक्ट करके डाउनलोड कीजिएगा, फायदा क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि इस तरह की फॉर्मेट, इस तरह की फाइल आपका काम आता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, इसे वो देखिए, फिर कल इसी टाइम पे हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे और जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइल मेनू बार में। शुरुआत में क्लास थोड़ा सा धीरे चलेगा, स्लो, क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं है ना सर, ठीक कॉलेज छोड़े तो काफी टाइम हो गया है ठीक ना। सर। तो अभी बस सर आप भी टॉपिक्स ऐसे ऐसे तो कवर अपने में जैसे कोर्स तो मैंने लग जाएगा, पर तो मैं क्या, सर ऐसे हम 15-15 मिनट क्लास करेंगे, पर तो बहुत टाइम लग जाएगा क्लास करने में, खत्म सर करना है आपको। बेसिकली क्या है कि आप, मैं आपको क्या बोला, टाइम उतना ही लगेगा, ये मेरा पढ़ाने का ट्रेंड है, 15 मिनट की क्लासेस नहीं है। यहाँ पे देखिए 9 बजे की क्लास था, थोड़ा तो सा लेट स्टार्ट हुआ है, वेट किए हैं इसलिए हुआ है, फर्स्ट डे था। 45 मिनट की ठीक क्लास, है सर। ठीक है 45 से 45 मिनट में खत्म हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। 9 बजे ठीक है सर। ठीक है चलेगा क्लास, कोई। जब आपका 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो 9:45 या 40 पे खत्म होगा, तो 40-45 तो क्लास हो जाएगी ना, फिर 15 मिनट नहीं रहेगी ना सर, ठीक है ना। चलिए ठीक है सर। कोई इशू नहीं। उसके तो सर कुछ बाद प्रैक्टिस फाइल देंगे अभी करने के लिए, हमें कुछ कर ऐसी। मैंने आपको, आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने क्या बोला, अभी आपको लिमिटेशन को पढ़ना है, शॉर्टकट को हाँ पढ़ना है, राइट सर। राइट ठीक है। और आपको एक्सेल के टेम्पलेट्स को एनालाइज करना चलिए ठीक है सर। है। 3 चीजें करनी है। पहला दिन है तो आज हम वेट, माने कि ज्वाइन करने में वेट कर लिए, फिर धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि पढ़ने की अभी हैबिट आपकी नहीं रह गई है, तो आप उतना ही पढ़े जितना ऑब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे हम ठीक है आगे सर। कोई बढ़ेंगे, इशू नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, स्पीड भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम 5 मिनट का क्लास आपकी ठीक है खत्म, सर।
ठीक है, आपकी क्लास स्टार्ट होगी 9 से 9:05 में और खत्म होगी आपको 9:40 में। शुरुआती 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट होगा आपके क्वेश्चंस के लिए। तो आज आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, स्टार्टिंग था, अभी क्वेश्चन आपके पास है नहीं, लेकिन जब कल परसों तरसों आपके पास क्लासेस करेंगे तो आपको डाउट्स होंगे, तो क्लास खत्म होने के बाद आप 5 से 10 मिनट डाउट्स क्लियर करेंगे, उससे पहले पिछली क्लासेस की डाउट को क्लियर करेंगे, तो टाइम उतना ही लगेगा सर, ठीक है ना? चलेगा सर, कोई इशू नहीं, ठीक है, तो मिलते हैं कल, तो कल सर सेम टाइम पे। हाँ सेम टाइम पे, आपका लिंक सेम होगा, बस आपको क्लिक करके ज्वाइन करना। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर।